Hello children, take out your value education book and open page number 22. Lesson number 6. Speak the truth. तो जो लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े थे उनको पता है ऑलरेडी ये स्टोरी क्या है, फिर भी हम यहाँ पे आज वापस एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैंने आपको रीड करके सुनाया है, आप लोगों ने मुझे रीड करके सुनाया है ना। तो फिर भी एक बार वीडियो में जरूर ये लेसन हम पढ़ के आपको समझाएंगे। ओके, इट इज गुड टू बी ब्रेव एंड स्पीक द ट्रूथ। ये अच्छा है कि आप साहसी बने और सच बोले, झूठ कभी ना बोले। सच बोलने से डर नहीं लगना चाहिए। ओके, यू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड बाय मिस्टेक। योर ब्रदर स्पिल्स मिल्क ऑन इट। व्हाट विल यू डू? आपने आपके फ्रेंड्स के पास से आपने एक बुक बोरो करके लाए हैं और आपके भाई ने बाय मिस्टेक उनके ऊपर दूध गिरा दिए, आप क्या करेंगे? बुक तो स्पॉइल हो गई ना, आप क्या करेंगे? टेल योर फ्रेंड द ट्रूथ एंड रिटर्न द बुक। आप अपने फ्रेंड को सच बोलेंगे और बुक रिटर्न कर देंगे, और कीप द बुक एंड से यू नेवर टूक इट। आप चुपचाप बुक रख देंगे और बोलेंगे मैंने कभी लिया ही नहीं था ये बुक, है ना, और कभी लेंगे नहीं। ऐसा करेंगे कि आपके फ्रेंड को आप सच बोलेंगे और उनको बुक रिटर्न कर देंगे। फर्स्ट वन हम टिक करेंगे, टेल योर फ्रेंड द ट्रूथ एंड रिटर्न द बुक। ओके, रीड दिस स्टोरी टू नो व्हाट डिम्पी डज व्हेन शी स्पॉइल्स हर फ्रेंड्स बुक बाय मिस्टेक। अब आगे हम ये स्टोरी पढ़ेंगे जो बाय मिस्टेक डिम्पी ने एक जो बुक है वो स्पॉइल कर दी थी, जो उसकी फ्रेंड से उसने बोरो करके लाई थी। स्टोरी का नाम है डिम्पी स्पीक्स द ट्रूथ। डिम्पी लव्स टू रीड बुक्स। शी बोरोज अ स्टोरी बुक फ्रॉम मिनी। शी रीड्स द बुक एंड कीप्स इट ऑन द विंडो शेल। डिंकी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, तो उसने एक स्टोरी बुक जो है मिनी से, उसकी फ्रेंड के नाम क्या है मिनी से एक बुक बोरो करके लाई थी। शी रीड द बुक एंड कीप्स इट ऑन द विंडो शेल। उसने बुक पढ़ लिया और सोने से पहले विंडो शेल पे बुक रख दिया। ओके, देन शी गोज टू स्लीप। फिर वो सोने चली गई। दैट नाइट इट रेन्स। द बुक गेट्स वेट इन द रेन। डिम्पी सीज इट इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट्स क्राइम। फिर उस रात क्या हुआ? जोर की बारिश आई और बुक क्या हो गई? गीली हो गई, स्पॉइल हो गई पूरी। जब सुबह डिम्पी सुबह उठ के देखी ये हालत बुक की, ऐसी हालत हो गई जो वो किसी और की बुक बोरो करके लाई थी, तो वो रोने लगी। हाउ कैन आई टेल हर मम्मी। मैं कैसे उसके मम्मी को बताऊंगी? शी इज डिम्पी। मिनी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी। मिनी अब मुझसे मिनी को पता चलेगा तो मिनी मुझसे कभी बात नहीं करेगी, वो मुझसे बात करना बंद कर देगी। मम्मी सेज स्पीक द ट्रूथ। फिर उसकी मम्मी ने डिम्पी की मम्मी ने डिम्पी को बताया कि आप सच बोलिए बेटा। से सॉरी टू हर। आप उनको सॉरी बोलिए क्योंकि ये आपकी लापरवाही से हुई है। टेल हर दैट यू विश यू वेर मोर केयरफुल। और आप उनको सॉरी तो बोलेंगे ही और बोलेंगे कि मैं आगे से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी और कभी ऐसी गलती नहीं होगी। शी विल स्टॉप टॉकिंग टू यू ओनली इफ यू लाई। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे
इसी हालत में वो आपसे बात करना बंद करेगी। डिम्पी गोज टू स्कूल। डिम्पी स्कूल गई। शी इज वेरी स्कैर्ड। वो बहुत डरी हुई थी। बट शी डज एज मम्मी सेज। उसने वैसा ही किया जैसे उसकी मम्मी ने बोला था। मिनी सेज नेवर माइंड डिम्पी। मिनी ने भी अपने बड़े दिल रखते हुए क्या कहा? नेवर माइंड डिम्पी, डोंट वरी, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। आप चिंता मत करो, ये सिर्फ एक गलती के कारण हुआ है। एट लास्ट यू डिड नॉट लाई टू मी। बट एट लास्ट आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। डिम्पी इज नेवर हैप सॉरी डिम्पी इज वेरी हैप्पी। शी डिसाइडेड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डिम्पी बहुत खुश हो गई और उसने डिसाइड किया मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, ऑलवेज सच ही बोलूँगी। तो ये जो टिक द करेक्ट आंसर, ये भी आपने ऑनलाइन क्लास में किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो कंप्लीट कर लेंगे। वाई डिड डिम्पी बोरो आ स्टोरी बुक फ्रॉम मिनी। क्यों डिम्पी ने मिनी से स्टोरी बुक ली थी? टू मेक नोट्स, टू रीड इट, नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। ओके, टू रीड इट। वेयर डज डिम्पी कीप द बुक? डिम्पी ने बुक को कहाँ रखा था? ऑन द विंडो शेल, इन हर बैग। वो अपने बैग में रखी थी या विंडो शेल पे रख दी थी? विंडो शेल पे रख दी थी ना, तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द बुक एट नाइट? रात में बुक के साथ क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं। इट गेट्स वेट, और गिली हो गई। व्हाट डज मम्मी आस्क डिम्पी टू डू? टेल द ट्रूथ, हाइड द बुक। बुक छुपा देने के लिए मम्मी ने क्या बोला डिम्पी से कि बुक छुपा दीजिए, या सच बोलिए? क्या बोला था? सच बोलने के लिए बोला था ना, टेल द ट्रूथ। व्हाट डज मिनी से टू डिम्पी? आई डोंट टॉक टू यू। व्हाट डज मिनी से टू डिम्पी? मिनी ने डिम्पी से क्या कहा? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और डोंट वरी, चिंता मत करिए, ऐसा बोला था, डोंट वरी बोला था ना। व्हाट डज डिम्पी डिसाइडेड टू डू? डिम्पी क्या करने का डिसाइड किया? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्टॉप टॉकिंग टू मिनी। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलने के लिए डिसाइड किया कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा मैं सच बोलूंगी। ओके, तो आज की आपकी वीडियो की लेसन यही तक हम कंप्लीट रखते हैं। पेज नंबर 23 तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे जो लेसन का आगे की पोर्शन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके।